नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जीवन का एक एक पल, एक एक समय बहुत ही अमूल्य होता है। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सार्थक रूप से बिताना चाहिए। कभी भी हमें अपने समय को पहली बात तो बर्बाद नहीं करना चाहिए, दूसरी बात कुछ ऐसा काम है जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में परेशानी आए, तनाव हो और किसी भी प्रकार की असुविधा हो। मैं आज इस वीडियो में बात करती हूँ सुबह के समय की। सुबह का समय दोस्तों पूरे दिन में देखा जाए तो सबसे बहुमूल्य और सबसे सुंदर समय होता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें सुबह बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए और इन आदतों को हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी आदतें हैं कि जिन्हें यदि हम नहीं छोड़ेंगे तो पूरे जीवन हम तनाव में, परेशानियों में घिरे रहेंगे और दुख चिंता हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए कुछ ऐसी आदतों के बारे में हम जानेंगे जो कि बहुत ही आम है और हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है। मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो यदि पसंद आता है, मेरी बातों से यदि आप सहमत हैं तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम सुबह उठते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि सुबह उठते ही हमें सारी चिंताएं, सारी टेंशन घेर लेती हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, क्या तनाव है, कल क्या हमारे साथ बुरा हुआ, आगे मुझे क्या करना है, ये समस्या है, कैसे इससे निपटा जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्याएं हमें घेर लेती है। हमारे दिमाग में वही सारी चीजें घूमने लगती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सुबह उठते ही सबसे पहले तो आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। ये सबसे जरूरी चीज है अपने पूरे दिन को सुंदर बनाने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि मेरा पूरा दिन सुंदर रहे और मैं खुश रहूं तो आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना ही पड़ेगा। उसके बाद उठने के बाद आप अपने हथेलियों को देखें, उनका दर्शन करें, फिर धरती माँ को प्रणाम करें और भगवान को सबसे पहले धन्यवाद करें, उन्हें प्रणाम करें और अपने जीवन के लिए जो कुछ भी आपको है, मिला हुआ है, उसके लिए उनका धन्यवाद करें। उनसे शिकायत ना करें क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस बात को यदि आप मान लेंगे और इस बात को यदि गांठ बांध लेंगे तो कभी भी अपने जीवन में आप परेशान नहीं होंगे। तो भगवान को धन्यवाद करने के बाद उठिए, सूर्योदय हो जाए, सूर्यदेव के दर्शन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। कहने का मतलब इसे अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए, हिस्सा बना लीजिए कि इसे आपको करना ही करना है। तो पहली बात तो इतना समय आपका बहुत ही सुंदर निकल जाएगा। उसके बाद आप अपने कार्य में, दैनिक जो आपके कार्य हैं उसको निपटाइए और प्रयास कीजिए कि जो भी काम हो, चाहे ये मतलब महिला के लिए हो या पुरुष के लिए, मैं दोनों के लिए बातें बताती हूँ कि अपने काम को 5 मिनट पहले जरूर ही निपटा लें। ये ना रहे कि लास्ट मोमेंट में आप काम को निपटा रही हैं, वो समय से नहीं हो पाया, फिर तनाव टेंशन, पति हैं तो पत्नी को 4 बातें सुना रहे हैं, पत्नी है तो बच्चों को डांट रही है। इस तरह से सुबह का समय बहुत ही व्यस्त भी होता है, ऑफिस जाना होता है, काम पे जाना होता है, घर के पुरुषों को, कहीं कहीं महिलाएं भी जहाँ काम करनी है उन्हें भी निकलना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो इसका सबसे सरल और सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम समय से पहले उठ जाएं और अपने सारे काम समय से पहले कर लें, जिससे कि हमारे पास इतना समय रहे कि हमें किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो कि स्कूल के लिए देर हो रही है, ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, तो इस तरह से पूरा दिन बच्चों का और आपका खराब निकल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, समय से सारे काम कर लें और आराम से आपको नाश्ता करने का भी समय मिल जाएगा, बच्चों को आराम से आप तैयार कर सकेंगी, तो इस तरह से सभी लोग अपने अपने काम पे जा सकेंगे। यदि आप हाउसवाइफ हैं तब भी आपका समय बचेगा और सारा काम आपका समय पे हो जाएगा। तो ये तो हो गई कि कभी भी सुबह सुबह एक दूसरे पे गुस्सा करना, चिल्लाना, टेंशन लेना, इस तरह का काम यदि आप सुबह से ही शुरू कर देंगे तो पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा आप स्वयं ही सोच सकते हैं। तो इस तरह से सुबह का समय आप अच्छे से शुरू करें अपने दिन को। भगवान को प्रणाम करते हुए स्नान वगैरह करके, अपने घर की मंदिर की सफाई करके आप 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपके पास समय है, भगवान के सामने प्रार्थना जरूर करें, उसके बाद ही आप दूसरा काम करें। यदि आप हाउसवाइफ हैं तो आप अच्छे से नाश्ता वगैरह
स्नान करके अपने रसोई घर में आए और नाश्ता वगैरह अपने बच्चों को, पति को, सबको दें। ये हो गया सुबह का काम। अब जब पति ऑफिस जा रहे हैं या बच्चे जा रहे हैं, उनको समय से पहले आपने रेडी कर दिया, फिर वो निकल गए। कभी भी एक काम और मैं महिलाओं के लिए बताना चाहती हूँ कि यदि आपके पति ऑफिस जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अपने व्यापार के लिए जा रहे हैं, तो पीछे से कभी उन्हें ना टोके, कभी भी उन्हें ना टोके। यदि आपको कोई काम याद आ गया या कोई सामान लाने के लिए आप बोल रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है तो लास्ट मोमेंट पे याद आता है, अरे सुनिए ये सामान लाना, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। उनको आप जाने दें उस समय, भले आपको बाद में फोन पे वो बातें आप कह सकती हैं, बता सकती हैं, उनसे कोई बात ही कहना हो तो आप फोन पे भी कह सकती हैं, या कोई बात याद दिलानी हो तो आप बाद में उन्हें याद दिला सकती हैं। पीछे से टोकना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। दूसरी बात, यदि आपके घर में जैसे खाली बाल्टी रखी हो कहीं भी इधर उधर, कोई भी खाली पात्र हो, जैसे बाल्टी ही अक्सर करके होता है कि खाली कहीं रखी हुई हो, उसमें काम नहीं है तो खाली पड़ी, तो यदि पति ऑफिस जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं तो कभी भी कहा जाता है कि खाली बाल्टी को देखकर जाना बिल्कुल शुभ नहीं होता है, तो उसे आप सामने से हटा दें। कहने का अर्थ है कि उस पे नजर ना पड़े, उस पे उनकी निगाह ना पड़े। ये काम आप बिल्कुल भी सुबह ध्यान दें, ऐसा बिल्कुल ना होने पाए। यदि है कहीं भी सामने दिखने का मतलब है कि दिख रहा है, तो उसे उसमें पानी भर के रखें जरूर। भरी हुई हो तो अच्छी बात है, लेकिन खाली हो तो उसे सामने बिल्कुल ना पड़ने दें। दूसरी बात, यदि आपके पति या परिवार में कोई भी ऑफिस जा रहा है या आप ही जा रही हैं बाहर काम पे, घर के कोई भी सदस्य जा रहे हैं, तो झाड़ू सामने बिल्कुल ना हो। झाड़ू देखकर या झाड़ू वैसे भी, चाहे सुबह हो या आते जाते के कोई भी समय हो, तो झाड़ू पे नजर हमेशा पड़ना भी अच्छी बात नहीं होती है। झाड़ू लगाकर हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। यह भी सुबह का एक नियम हो गया कि कभी भी घर से निकलते समय झाड़ू को देखकर ना निकलें। सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमूल्य होता है। सुबह का समय यदि आप हाउसवाइफ हैं, तो जब पति और बच्चे घर से बाहर निकल गए, तो आप आराम से अपने घर का काम, अपने किचन का काम निपटा के अपने लिए समय बचा सकती हैं, और कुछ भी जो आपके पसंदीदा काम हो उसे आप आराम से कर सकती हैं। आपको कोई भी जल्दीबाजी भी नहीं रहेगी और आराम से आपका समय निकल जाएगा और आपका काम भी समय पे बिल्कुल हो जाएगा। सुबह के समय की ये सारी बातें थी दोस्तों। कभी भी सुबह के समय चिल्लाना, क्रोध करना, टेंशन लेना या तनाव में जल्दी 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 कि आधे काम भूल गए, आधा काम हुआ, सही से नाश्ता नहीं कर सके, तो इस तरह से, और इसका सारा सरल उपाय यही है कि आप समय से पहले यदि उठ जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, तो जल्दी से आपका सारा काम समय पे हो जाएगा। तो कितना आसान सा उपाय है, इसे आप करिए और देखिए कि सुबह के समय ऐसा करने से आपको कितना ज्यादा लाभ मिलता है, और सबसे पहली बात तो आपका समय कितना ज्यादा बचता है, सारा काम समय पे हो जाता है। तो बात को यहीं पे खत्म करती हूँ। ये थी सारी बातें सुबह के समय की। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।